हुए नमस्ते, मेरा नाम निमिषा पल्लवी और आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज मैं बात करने जा रही हूँ हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्किन ड्यूरिंग विंटर। विंटर सीजन में आप अपने चेहरे अपने स्किन की कैसे देखभाल कर सके जिससे आपकी स्किन सॉफ्ट और चमक बनी हुई रहे, उसमें हाइड्रेशन एंड नरिशमेंट भरपूर मात्रा में रहे। विंटर सीजन में जैसे कि समर सीजन में हमारे कपड़े अलग होते हैं, विंटर सीजन में हमारे कपड़े अलग होते हैं, उसी तरह समर सीजन में हमारी स्किन केयर अलग होती है और विंटर सीजन में हमारी स्किन केयर थोड़ी डिफरेंट करनी पड़ेगी जिससे हमारी स्किन मुलायम रहे, चमकदार बनी हुई रहे। तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे हमारी स्किन केयर बहुत ही सिंपल है, थ्री स्टेप में है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग, अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करना है, पोर्स को अच्छे से क्लीन करना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है जैसे कि मॉइस्चराइज, अच्छे से मॉइस्चराइज करना है स्किन को। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जैसे कि सन के अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाना है, यानी कि सन यूवी रेज से प्रोटेक्शन करने के लिए सनस्क्रीन लगाना है। हमारी स्किन केयर तो सिंपल है लेकिन विंटर सीजन में हमें स्किन केयर में क्या बदलाव लाना चाहिए जिससे हमारी स्किन में चमक बनी रहे। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, चलिए नहाने से स्टार्ट करते हैं। जैसे विंटर सीजन में क्या होता है कि विंटर सीजन में हवाएं ठंड रहती है, टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है। ठंड सीजन में जैसे कि हवाएं बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, टेम्परेचर डाउन रहता है, हवाओं में ह्यूमिडिटी कम रहता है, उसमें मॉइस्चराइजर कम रहता है, तो ये क्या करती है हमारी स्किन से मॉइस्चराइजर को सक कर लेती है। इसलिए इस सीजन में अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। और विंटर सीजन में हम स्किन में क्या फेस करते हैं कि हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, फ्लीकी हो जाती है, चैप्ड हो जाती है, उसमें फ्लेक आने लगते हैं, उसमें इरीटेशन होने लगती है, रेडनेस होती है, हमारी स्किन बहुत ही जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, हमारी स्किन बहुत ही जल्दी डल एंड ड्राई दिखने लगती है, रेड पैसेज होने लगते हैं, स्किन में रेडनेस आने लगती है, इचिंग स्टार्ट जाती है। सो इस सब प्रॉब्लम इस ठंड के मौसम में हम लोग को फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी अगर आप नहाते हैं तो ठंड के मौसम में, ऐसा थोड़ी ना ठंड का मौसम है नहाना नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, अपने बॉडी को भी क्लींस करना है, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है। इसलिए नहाने ठंड के मौसम में अगर आप नहा रहे हैं तो ल्यूक वार्म वाटर से नहाना है, बहुत ज्यादा हॉट वाटर से नहीं नहाना है, क्योंकि स्किन में एक प्रोटेक्टिंग बैरियर रहती है जो आपकी स्किन के ऊपर रहती है। अगर आप ज्यादा गर्म पानी से नहाएंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाने के बाद आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। जब आपकी स्किन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंटेक्ट में आएगी तो वो बहुत ही ज़्यादा जैसे ड्राइनेस हो जाती है, फ्लिकी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसमें खुजली होने लगती है। इसलिए ल्यूक वार्म वाटर से नहाना है और नहाने के लिए बहुत हार्श केमिकल का केमिकल साबुन जैसे यूज नहीं करना, बहुत हार्श केमिकल साबुन जिसमें जो साबुन में बहुत ज़्यादा हार्श हो, वो स्किन के लिए जो जेंटल नहीं हो, वो वैसे साबुन या वैसे क्लींजिंग यूज नहीं करना। आपको ऑयल बेस्ड क्लींजर को यूज करना है जो आपके बॉडी को डीपली क्लीन तो करे ही, साथ में मॉइस्चराइज भी रखिए, आपके स्किन को ज़्यादा फ्लिकी एंड ड्राई नहीं बनाए। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब भी आप अपने नहाने के बाद अपने चेहरे को जैसे कि स्किन को रगड़ रगड़ के नहीं पोंछना है, सिर्फ पेट ड्राई करना है, ऐसे ऐसे करके पेट ड्राई करना है। और जब भी नहाएं जैसे कि पूरा पानी को पोंछना नहीं है, हल्का सा मॉइस्चराइज अपने स्किन को थोड़ा सा भींगा हुआ रहने दें। इसके ऊपर आप कोई भी बॉडी ऑयल या बॉडी मॉइस्चराइजर जो भी आप यूज करना चाहती है उसे अच्छे से अपने स्किन के ऊपर लगाए और उसे एब्जॉर्ब होने दे। इससे क्या होगा कि स्किन वो मॉइस्चराइजर ऑयल आपके स्किन की डीप लेयर तक में पेनिट्रेट कर जाएगी जिससे कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगी जिससे इसकी स्किन में चमक और ग्लोइंग बनी हुई रहेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि ठंड के मौसम में हम लोग सभी धूप में रहना अच्छा लगता है और धूप में रहना भी चाहिए, जैसे विटामिन डी की जिसकी कमी रहती है वो सारी पूरी हो जाती है, धूप में बैठनी अच्छी बात है। लेकिन जब भी आप धूप में बैठे तो सनस्क्रीन जरूर यूज करें, एटलीस्ट 30 SF SPF पर सनस्क्रीन तो जरूर से जरूर यूज करें। बिना विदाउट सनस्क्रीन आप अपने धूप में जाए ही नहीं जाए। आप जैसे कि धूप में जाने से पहले 15 मिनट्स बिफोर आपको सनस्क्रीन लगाना है और 10 मिनट 15 मिनट तक के लिए ही बैठे, फिर इसके बाद आ जाए, फिर इसके बाद सनस्क्रीन लगाए, फिर इसके बाद जाए। नहीं तो बहुत कोई का देखते हैं हाइपर ठंड के मौसम में हाइपर पिगमेंटेशन जैसे प्लाज्मा ये सब ब्राउन स्पॉट्स हो जाती है दोनों चीक के ऊपर, तो ये धूप में ज़्यादा एक्सपोज टू सन अगर होते हैं तब ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसलिए इसके सनस्क्रीन को जरूर से जरूर लगाएं अगर आप धूप में बैठते हैं तो।
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पानी को पिए। थर्ड में ऐसा नहीं है कि पानी को अवॉइड करना है, 8 to 9 गिलास वाटर ड्रिंक करें, ऐसे आपकी बॉडी इंटरनली हाइड्रेटेड रहेगी। और जब भी आप बाहर जाते हैं तो पूरे अपने बॉडी को अच्छे से कवर करें, हैट पहने, पूरे फुल बॉडी को कवर करें, और वुलन क्लॉथ पहनने से पहले कॉटन का पहने, इससे आपके बॉडी में रैसेस नहीं होगी, खुजली नहीं होगी। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देनी होगी। और वंस इन ए वीक अपनी स्किन को पैम्पर करें, जैसे केले का फेस पैक आपके हेयर और फेस के लिए ठंड के सीजन में बहुत ही अच्छा होगा। इसमें सभी विटामिन्स रहती है जिससे आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ड्राई नहीं बनाएगी, आपकी स्किन में चमक को बरकरार रखेगी। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।